दोस्तों, अगर आप लोग अपने पेटीएम अकाउंट से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग का बैंक का बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, अनअवेलेबल पे चेक बैलेंस आ रहा है। जैसे मैं, अगर आप लोग का बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, आप लोग को समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है या आप लोग का यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ ट्राई गए लेदर लिख के आ रहा है या आप लोग का अनअवेलेबल लिख के आ रहा है, तो ये आप लोग की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे, चलिए जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, बैक आ जाना होगा और आप लोगों को अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग मिलेगा ऐप से एप्लीकेशन, वहाँ पे चले जाइए। अब यहाँ मिलेगा सिस्टम ऐप सेटिंग और मैनेज ऐप्स। तो आप इस मैनेज ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा आप लोग यहाँ पे वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग टाइप कर लीजिए पेटीएम। गाइस यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे पेटीएम, ये पेटीएम आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मिलता है क्लियर डाटा, तो क्लियर डाटा पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लियर कैश कर देना होगा, ओके पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस आप लोग को यहाँ पे इस एप्लीकेशन को जो है आप लोगों को लगभग 3 से 4 घंटे या 5 घंटे में आप लोग को ओपन फिर से करना होगा और फिर से आप लोग को बैलेंस चेक करना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पे पेटीएम ओपन करूँगा और यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना चेक बैलेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो गाइस आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस चेक हो चुका है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग का यहाँ पे तब भी 4-5 घंटे बाद यहाँ पे ये अनअवेलेबल आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो आप लोग को 24 घंटे का वेट कर लेना होगा, क्योंकि ये टेक्निकल इशू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप लोग को ये प्रॉब्लम आती है एरर की और समथिंग वेंट रॉन्ग की। तो गाइस आप लोग को 24 घंटे का वेट कर लेना होगा और आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बाकी का आप लोग इंटरनेट कनेक्शन भी चेक करके रखिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा तब भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग की ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी होगी और आप लोग को यहाँ पे पता चल चुका होगा कि प्ले स्टोर पर अगर आप लोग किसी बैंक का बैलेंस चेक करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है, अनअवेलेबल प्रोसेस या आप लोग की समथिंग वेंट रॉन्ग होती है, तो वो प्रॉब्लम आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग को अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग की रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।